नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान की बात हो तो किस्सों कहानियों की कमी ही नहीं है। यहां कई जगहों की राजस्थान का जिक्र आते ही रेगिस्तान और रेत के टीले जहन में आते हैं। हम आपको ऐसे राजस्थान से रूबरू कराते हैं जहाँ हरी भरी वादियों में बहती सात धाराएं हैं, पानी के कुंड हैं, वैष्णो देवी जैसी कठिन यात्रा है और पांडवों से जुड़ी मान्यता है। ये यात्रा है झुंझुनू के लोहारगल की 24 कोसी परिक्रमा की। झुंझुनू शहर से ठीक दक्षिण में करीब 66 किलोमीटर दूर है लोहारगल कस्बा। पूरा इलाका अरावली की छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा है। इन्हीं पहाड़ियों में 24 कोस की लोहारगल परिक्रमा गोगा नवमी से शुरू हो जाती है। ये यात्रा 75 किलोमीटर की होती है। यात्रा में पहाड़ियों पर चढ़ना और उतरना ही रहता है। रास्ता बिल्कुल सकड़ा। 5 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में हर साल भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गोगा नवमी से अमावस्या तक इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। परिक्रमा करने वाले लोहारगल कस्बे से ही अपनी साथ जरूरी सामान, कपड़े, खाने पीने की सामग्री आदि लेकर चलते हैं। लोग समूह में चलते हैं। लोहारगल के 24 कोसी यानी 75 किलोमीटर की यह पूरी परिक्रमा पथरीले रास्तों पर चलती है। पुरुषों से ज्यादा इसमें महिलाएं नजर आती हैं। सिर पर थैला और हाथ में सहारे के लिए लाठी। चलते चलते शाम हो जाती है तो समतल जगह देखकर समूह डेरा डाल देता है। यात्री समूह में परिक्रमा करते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले के अलावा हरियाणा से भी यात्री आते हैं। एक ही पथ पर चलते चलते अनजान लोगों का झुंड एक परिवार की तरह एक दूसरे का ख्याल रखता है। दुख दर्द साझा होते हैं, मनौतियाँ और मान्यताएं साझा होती हैं। एक दूसरे की मदद की जाती है, खाने पीने की सामग्री शेयर की जाती है, बुजुर्ग श्रद्धालुओं को कंधों का सहारा मिलता है, महिलाएं एक दूसरे की सेवा करती हैं, कहीं कोई पीछे छूट जाए तो रुककर उसके आने का इंतजार भी किया जाता है। अरावली की वादियां दूर से हरी भरी दिखाई देती हैं, लेकिन बारिश के कारण पगडंडियों पर कंकर और कंटीली झाड़ियां बहकर आ जाती हैं। इनसे बचकर चलना पड़ता है, लेकिन कोई कांटा कंकर लहूलुहान कर ही जाता है। लगातार चढ़ने या उतरने से पिंडलियों पर सूजन भी आ जाती है। दिन उगने के बाद अधिक से अधिक चलने की चाह रहती है। रास्ते में दलदल भी स्वागत करता है और बावजूद इसके यात्री बाबा माल केतु के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। यात्रा पर भारी तादाद में निकले यात्री समय प्रबंधन करके चलते हैं। सुबह परिक्रमा शुरू करते समय ही तय कर लेते हैं कि दोपहर का भोजन किस जगह करना है, आराम कहाँ करना है। तय स्थान और समय पर रुककर पीछे छूटे साथियों का इंतजार किया जाता है। यही मैनेजमेंट ही रात्रि विश्राम के लिए भी तय होता है। भारी तादाद में श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। स्थानीय और जिला प्रशासन परिक्रमा मार्ग में कई सारी सुविधाएं करता है। बड़ी बात यह है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का सब्र काफी मायने रखता है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, चेहरे पर भी शिकन नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती, क्योंकि यात्रा का मैनेजमेंट खुद श्रद्धालुओं के हाथ में होता है। अनुशासन में कतार में ये बाबा के जयकारे लगाते हुए चलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी के पास पानी नहीं तो पानी पिलाते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो मरहम लगाते हैं। यात्रा के दौरान ना कोई जाति पूछता है और ना ही कोई ऊंच नीच, सब समान। सभी यात्रियों की एक ही चाह, परिक्रमा पूरी हो जाए। परिक्रमा के दौरान 4-5 दिन रास्ते में आने जाने वाले गाँवों में घरों में भी श्रद्धालु रात में शरण लेते हैं। गाँव वाले परिक्रमा के दौरान पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। कोट निवासी बुधराम जांगिड़ कहते हैं कि 5 दिन में औसत हर घर में 100 से 300 श्रद्धालु ठहरते हैं और इन्हें चाय पिलाते हैं, राह के लिए बोतलों में पानी भर कर देते हैं, सोने के लिए बिछौना भी देते हैं। लोहारगल को लेकर मान्यता यह है कि अपने निर्वासन के दौरान पांडव इसी इलाके में रहे थे। लोहारगल के एक कुंड में स्नान करने से पांडवों के लोहे की बेड़ियां गल गई थी और इसी मान्यता के मुताबिक स्थान का नाम लोहारगल पड़ गया, यानी कि जहां लोहा गल गया वो स्थान। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।